We are starting the chapter. As I day before yesterday when I took the class, तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि even in our ninth standard हम लोगों ने working of institutions पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था we had read that legislatives, executives and judiciary जो है they all are the one जिनके पास power होता है. In India power is not with one organ. जैसे कुछ areas में, जैसे अगर हम लोग हिटलर वाला chapter याद करो या आप chapter याद करो French Revolution में, तो the power was only with the monarchy. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. तो now in this chapter and the second chapter which we would be studying, that is federalism. इन दोनों chapters में आप पढ़ोगे कि पावर अलग अलग लोगों के पास होता है एंड वो अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. इफ यू हैव द बुक्स यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. एंड जो आपके बॉक्सेस होते हैं उनमें जो आपके वर्ड्स होते हैं they may come as a one marker question. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. अब आप सोचो हरियाणा कितना छोटा सा है, लेकिन उससे भी छोटा है आपका पूरा एक कंट्री. हमारे लिए तो हरियाणा इज अ स्टेट, लेकिन वो उससे भी छोटा है. ये पेपर में इसी बार आया था. It has borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. मतलब अगर हम मैप देखते हैं तो एक तरफ आपका फ्रांस है नीचे की तरफ, इस तरफ आपका नीदरलैंड है नीचे की तरफ, राइट साइड में जर्मनी एंड लक्जमबर्ग. एंड टोटल पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 1 crore, यानी कि 10 lakh. आप मतलब 10 lakh आपका 1 million होता है, तो 10 million हरियाणा के पॉपुलेशन से भी आधा. द एथनिक कॉम्पोजिशन ये पेपर में आपका आता, व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम. एथनिक का मतलब क्या होता है? एज आई सेड इट इज रिटन इन द बॉक्स और यू माइट बी अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. मतलब हम कल्चर को शेयर करते हैं बट सोसाइटी में दे मे बी सेम एथनिक ग्रुप जिनका सेम सिमिलैरिटी हो सकता है, या सर्टेन टाइम्स रिलीजन सेम नहीं है लेकिन दे मे बी हैविंग द सेम टाइप ऑफ थिंकिंग. द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखते हैं तो 59%, दीज आर ऑल वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लास्ट की कोई भी बुक को निकालो, क्वेश्चंस को निकालो, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज कम. व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन? 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज. मतलब वहां के जो 59% है मेजोरिटी वो डच बोलते हैं. Another 40% live in Wallonia region and speak French. And the remaining 1% speak German. Yani ki 59 plus 40 plus 1 is 100%. In the capital city, Brussels, 80% people speak French while 20 are Dutch speaking. Matlab maximum log jo hai French wale, wo log Brussels mein rehte. So this is how the country is divided. Up French 40% hi hai, lekin wo hai rich. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. Basically un logo ko sare benefits nahi milte the, isliye wo dukhi rehte the. This led to tensions between the Dutch and the French-speaking communities during 50s and 60s. Ye purane time mein. And it was more in Brussels. Then
ब्राजील्स में जो लोग थे डच स्पीकिंग वो थे माइनॉरिटीज में, क्योंकि वहां मैक्सिमम लोग फ्रेंच थे, और वैसे ओवरऑल पूरे देश में सबसे ज्यादा डच ही रहते थे. लेट अस कंपेयर दिस सिचुएशन टू अनदर कंट्री, श्रीलंका. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. कहा जाता है पहले जमाने में, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन, बट पीपल से दैट रामेश्वरम से लोग उस वक्त में, व्हेन देयर वाज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, मेनी पीपल यूज्ड टू स्विम अक्रॉस. इतना पास है रामेश्वरम से आपका, जो है श्रीलंका आइलैंड्स दिखते हैं दूर से. इट्स नॉट लाइक कि पूरा दिखता, बट थोड़ा. इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम इन हरियाणा. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सिंहला. सिंहला आर द ओरिजिनल श्रीलंकन. सिलोन, पहले श्रीलंका का नेम था सिलोन. 74% द तमिल स्पीकर्स, 18. तमिल के अंदर ही दो तरीके के तमिल हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स एंड दूसरे हैं इंडियन. जो वही के नेटिव्स हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है, और जो इंडिया से, हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्क ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, वो इंडियन तमिल्स. दिस यू विल बी रीडिंग इन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑल्सो. जो यहाँ से हमारे पूर्वज वहां जाकर सेटल हो गए थे, दैट मीन्स वहां सिंहला, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स थे. नाउ यू कैन सी श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट. ये एक बार आया था पेपर में, MCQs में. अगर आप मैप में देखोगे तो मैक्सिमम लोग या तो नॉर्थ श्रीलंका या ईस्ट में रहते हैं. मोस्ट ऑफ द श्री सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, एंड तमिलियंस जो है वो हिंदूज या मुस्लिम्स हैं, या क्रिश्चियंस या तमिल ऐसे. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, इमेजिन व्हाट कुड हैव हैपेंड इन सिचुएशन लाइक दिस. इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी वुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन. तो इससे क्या होता, कम्युनिटीज में आपस आपस में झगड़ा होता. दिस कुड हैव लेड टू द पार्टीशन. इन श्रीलंका सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड इवन बिगर मेजोरिटी, वो भी था. अब हुआ क्या, देखो व्हाट हैपेंड. श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 48. वन मार्कर क्वेश्चन. द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी. वहां पर क्या था, मेजॉरिटी सिन्हाला है, इसीलिए वो चाहते थे कि उनके लिए ही सारे के सारे रूल्स बने. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश. नाउ अगर आप देखो बच्चा, मेजोरिटेरियनिज्म इज नॉट देयर इन एनी डिक्शनरी. मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन अगर हम मेजोरिटेरियनिज्म बोलेंगे तो उसका मतलब होता है एनीथिंग. जैसे आप समझो आपके क्लास में 10 बॉयज है, सॉरी 10 बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें से 3 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, और टीचर जो है वो बॉयज के, क्योंकि बॉयज ज्यादा है तो उनके लिए ही सारी चीजें करती हैं, गर्ल्स के लिए नहीं करती है. दैट इज कॉल्ड एज मेजोरिटेरियनिज्म. एक तरफ से पार्शियलिटी, एक तरफ से पार्शियलिटी. इट इज नॉट कंप्लीट पार्शियलिटी बट इट इज अ टाइप ऑफ पार्शियलिटी. तो वहां पर भी व्हाट हैपेंड इज द पीपल, जो वहां का जो गवर्नमेंट था, दैट ट्राइड टू अडॉप्ट मेजोरिटेरियनिज्म. अब कैसे किया था, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, दिस यू हैव टू लर्न. व्हाट स्टेप्स, व्हाट मेजर्स डिड द श्रीलंकन गवर्नमेंट यूज टू इम्पोज मेजोरिटेरियनिज्म.
इन 1948 में उनको आजादी मिली थी, 56 में उन्होंने जो है अपना एक एक्ट बनाया था अकॉर्डिंग टू विच सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. मतलब वहां पर जो भी करेस्पॉन्डेंट, बेटा प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आप लोग भी हो इन इंडिया, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू दिस कंक्लूजन, इंडिया के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं. अब आप लोग जो हो यू आर ऑल इन 10th स्टैंडर्ड, वेरी क्रूशियल. अब 10th में आप लोगों को हिंदी कंपलसरी पढ़ना पड़ता है, चाहे आपके पास फ्रेंच हो, जर्मन हो, हिंदी हो, साइंस हो, सॉरी इंग्लिश हो, कुछ भी हो, हिंदी आपको पढ़ना पड़ता है. सो दैट एनी टाइम इन द लेटर स्टेजेस इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स देन हिंदी इज कंसिडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज. अभी सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे आप. बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो स्टडी इन इंग्लिश मीडियम. आप कलकत्ता में रहते हो आप बंगाली मीडियम में पढ़ लो, आप महाराष्ट्र में रहते हो मराठी मीडियम में पढ़ लो, आप कर्नाटका रहते हो कन्नड़ मीडियम में पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नथिंग. दैट मीन्स इन आवर कंट्री वी डोंट हैव एनी लैंग्वेज एज द ओनली लैंग्वेज. हम इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ते हैं, बट वहां श्रीलंका में उन्होंने क्या कहा, ओनली सिंहला ही आपको पढ़ना पड़ेगा. इंडिया में भी ऐसा हुआ था, इवन इन इंडिया इट हैपेंड इन 1956, हिंदी को इम्पोज किया गया था. एंड देयर वॉज अ वाइड प्रोटेस्ट इन तमिलनाडु. आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे, देयर वॉज अ वाइड प्रोटेस्ट इन तमिलनाडु कि आप हिंदी को जबरदस्ती हम पर थोप नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर 40% पीपल आर स्पीकिंग हिंदी, द रेस्ट हैव देयर ओन लैंग्वेज. बट इन श्रीलंका इट वॉज इम्पोज्ड. द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स. मतलब वहां पर जो भी आपके सिंहला थे उन्हीं के लिए गवर्नमेंट जॉब्स या यूनिवर्सिटी पोजिशंस को फेवर में दिया जाता. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. और उनका official language जो religion है वो Buddhism रहेगा. यानी कि जो बाकी religions हैं उनको इतनी आजादी नहीं मिलेगी. इसमें आपके paper में जो question आया हुआ है boards में, what is the official language of Nepal? Sorry, official religion of Nepal. नेपाल में ऑफिशियल रिलीजन इज हिंदुइज्म. वहां हिंदुइज्म इज द ऑफिशियल. इन भूटान इट इज बुद्धिज्म, इन श्रीलंका इट इज बुद्धिज्म, इन बांग्लादेश इट इज इस्लाम, इन पाकिस्तान इट इज इस्लाम, बट इन इंडिया वी डोंट हैव एनी रिलीजन. इंडिया फोस्टर्स सेक्यूलरिज्म. इंडिया का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. इससे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां पर लोग रहते हैं उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. लाइक यू आर लिविंग इन यूएस, अगर आप यूएस में रहते हो एंड यू आर अ हिंदू, देन देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस. आप ऐसे जैसे हमारे यहाँ पर तो कभी भी मतलब कि व्हेनेवर देयर इज सम फंक्शन फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते. You need to take permission for everything. यहां तक कि अगरबत्ती भी वहां पर without fumes वाली होती. There is a time for celebrating Diwali. Because उनका official language, उनका जो official religion है वो है Christianity. तो श्रीलंका के अंदर उन्होंने सिंहला को official language and Buddhism को official religion बोला. All these government measures coming one after the other gradually increase the feelings of alienation among the Sri Lankan Tamils. उस दिन आपको मैंने बताया था पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, what
were the causes of the alienation of Tamil? Yeah, why did the Sri Lankan Tamils feel alienated? Or what measures were taken by the Sri Lankan government to adopt majoritarianism? इन दोनों के आंसर्स यही होंगे आपके. दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंहला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. दे फेल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट. अब उनके लिए तो कुछ था ही नहीं. सो As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained. The Sri Lankan Tamils launched parties, struggles. वो लोग चाहते थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ. At least जिन जगहों पर वो लोग रहते हैं, the region, autonomy मतलब more freedom, उनको भी equal opportunities दो. But their demand for autonomy to provinces populated by Tamil was denied. In 1980, several political organizations were formed demanding separate Tamil Eelam. What is the meaning of Eelam? State. मतलब उन्होंने कहा आप हमें अलग से जिन पार्ट में Tamilians रहते हैं उसे एक अलग पार्ट कर दो. The distrust between two communities led to conflict and it turned into a civil war. Civil war matlab a violence between two groups. Aisa lagega jaise jhagda chal raha, complete violence. As a result, thousands of people have been killed. Many families were forced to leave the country. Bahut sare matlab usme to इसकी वजह से वहां का कल्चरल सोशल लाइफ जो है वो काफी फर्क हुआ है. इवन अभी भी ऐसा नहीं है, दिस इज मतलब कि दिस इज नॉट कि अभी 2023 में भी दे हैव नॉट अनाउंस दैट दे आर डेमोक्रेटिक. लेकिन फिर भी वहां पर जो है सिंहलास को ही सारे प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं. दैट डे आई टोल्ड यू दैट दे इवन द तमिलियंस वॉन्टेड Indians should support them, the Indian government should support them. But हम ऐसे openly तो किसी को support नहीं कर सकते हैं ना. अब आप किसी के घर में लड़ाई हो रही है, मान लो आपके पड़ोस में लड़ाई हो रही है, आप जाकर उनके बीच में तो नहीं कर सकते हो ना. That is not manners. That is not an international manners. You cannot enter into. There have been many attempts India, मतलब इसीलिए हमारे साथ उनका relation काफी कई बार strained भी रहा. बहुत Strong political parties like LTTE, Liberation of Tamil Tiger Eelam, जिनके मतलब कि बहुत it was one of the most you can say ferocious political party who were also involved in the assassination of Rajiv Gandhi. तो कई तरीके से कोशिश हुई थी but it was a failure. यानी कि अगर government जो है वो अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती तो उस कंट्री में लड़ाई होने के चांसेस होते हैं. एंड ऑल्सो द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. टू क्या, सिक्स पार्ट्स भी हो सकता है. यूगोस्लाविया वॉज डिवाइडेड इंटू सिक्स पार्ट्स. इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग आवर पार्टीशन. हो सकता है. Now what happened in Belgium? The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Ye paper mein aaya hua hai. How many times was the constitution of Belgium amended between 70 and 1993? It was 4 times. मतलब उन्होंने कई बार कोशिश की कि लोग एक साथ amicably रहें. The arrangement they worked out is different from any other country and very innovative. So, what are the elements of Belgian model? First, or what
measures were taken by the Belgian government to accommodate their citizens. तो ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं. फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. उस दिन आपको मैंने बताया था एक गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए है, जैसे हमारे यहाँ पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दो अलग अलग गवर्नमेंट विच विल बी रूलिंग फॉर फ्रेंच एंड डच स्पेशली. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic मतलब language. No single community can make decisions unilaterally. अपने आप कोई भी decisions नहीं बना सकती. Many powers of central governments have been given to state government of the two regions. The state governments are not subordinates. Now, what is the meaning of subordinates? ये आपके second chapter में भी है. मतलब ये जो है subordinate का मतलब होता है उनको वही काम करना है जो central government उन्हें बोलता है, लेकिन उनके देश में बेल्जियम में ऐसा नहीं है. The central government can make laws for the country. And the state governments can also make laws for their people. हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है. Brazil has a separate government in which again दोनों communities के equal representation है. French ने भी accept किया है in Brazil because the Dutch speaking community has accepted equal representation in central government. Then there is a third kind of government, community. मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज के लिए, डच के लिए डच का, फ्रेंच के लिए फ्रेंच का, जर्मन के लिए जर्मन का, जहां पर भी वो रहते हैं उनकी एक अपनी कम्युनिटी होती है. द गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज. ये लोग जो है और किसी पर नहीं करते हैं, इनका बेसिक होता है कल्चर, एजुकेशन या लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज है, उनमें ये लोग अपने लॉज वगैरह बनाते. In India also we have such communities. इससे क्या हुआ, मतलब सबको equal representation मिला, चाहे उनकी population कम हो या ज्यादा. You might find the Belgium model very complicated. Even for living people living in Belgium it is complicated. But it has avoided the civic strife between the two major communities. And possible division. When many countries of Europe came together to form the EU, मैंने उस दिन आपको बताया था, EU is a trade union. मतलब जितने भी आपके यूरोप के कंट्रीज हैं उन्होंने अपने आप को, मतलब एक तो है they are all part of their own countries. दूसरा उन्होंने अपने आप को US को टक्कर देने के लिए उन्होंने अपने आप को एक यूनियन में बना रखा, which is called as European Union. पहले आपका British, Britain was also there, लेकिन now Brexit is there. Brexit मतलब Britain has exited from that. Now only the countries of Europe, that is France, Spain, मतलब की Germany, ये सब EU के members हैं. Brazil was chosen as its headquarter. मतलब वहां पर वो इतना अच्छा accommodation है, इस they have given equality to all of the communities. They have given powers to all the people so that there is no conflict. तो अब हमें इन दो स्टोरी से क्या पता लगा, both are democracy, yet when it is question of power sharing, the leaders of Belgium realized that unity is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. इसीलिए उन्होंने accommodate किया. In Sri Lanka, it shows if a majority community wants to force its dominance and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. And this we all know that. In Sri Lanka, there is a civil war. और अभी भी वहां पर जो उनका, even though it is one of the
डेवलप्ड कंट्रीज स्टिल अभी भी वहां पर जो आपका आपस में झगड़ा है, जो क्राइसिस है वो खत्म नहीं हुई। सो व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? इसमें आपका, उस दिन मैंने नोट्स में आपको दिखाया था, 2 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 मार्कर भी हो सकता है। मीन्स देर आर टू रीजंस पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। वन इज प्रूडेंशियल, सेकेंड इज मॉरल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है विच इज लॉजिकल। भाई लॉजिक यही कहता है कि डेमोक्रेसी का मतलब है आपको अपने सिटीजन्स, आपके साथ जो भी हैं उनके साथ अपने पावर्स को शेयर करना। एंड सेकेंडली डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मॉरल सपोर्ट। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन। फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। आप सबको अकोमोडेट करोगे, सबके जो, अब भाई एक जगह पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, रिलीजन में भी और लैंग्वेज में भी, कल्चर में भी। अगर हम सबके सेंटिमेंट्स की, मतलब की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन? हमने एक कम्युनिटी को ज्यादा दे दिया, दूसरे को कम दिया, तो आपस में वो झगड़ा करेंगे। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस। भाई कहने के लिए तो बहुत आसान है, जो ज्यादा है उनकी हम सुन रहे हैं, बट डेमोक्रेसी में तो सब इक्वल है ना। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रून टू मेजोरिटी एज वेल। लंबे रेस में क्या होगा, जो मेजोरिटी होगी उनको भी नुकसान होगा। सेकेंड रीजन, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये पेपर में आता है, और अगर ये पेपर में आया तो आपको ये पूरे पॉइंट्स लिखने हैं 3 मार्क्स में। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड एंड हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वेयर सिटीजंस पार्टिसिपेट। भाई डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही यही है कि जिसमें आपके सिटीजंस पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर आपने उनको अलग करके रख दिया, उनको कोई राइट ही नहीं दिया, तो फिर आप उसको डेमोक्रेसी कैसे बोल सकते हो? तो जो फर्स्ट रीजन है उसको हम प्रूडेंशियल बोलते हैं, एंड सेकेंड रीजन को हम मॉरल रीजन बोलते हैं। प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम, एंड मॉरल रीजन सेज इट इज द पावर शेयरिंग इज वैल्यूड। सो दिस इज आपका व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। इफ यू ओपन एनी बुक यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, स्टेट वन प्रूडेंशियल एंड वन मॉरल रीजन व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। ये देन ये आपका बेल्जियम पावर शेयरिंग के बारे में क्वेश्चन है। दीज आर द एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर्स। दिस वी विल बी डूइंग, ये हम लोग करेंगे। जो 4 पावर शेयरिंग हम अभी करने वाले हैं ये वो है। सो पावर को कैसे शेयर कर सकते हैं, हम कह रहे हैं पावर को शेयर करना है। इन 9th स्टैंडर्ड वी हैड स्टडीड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तीनों को, लेजिस्लेटिव को अपने हिसाब से पावर्स मिले हुए हैं,
एग्जीक्यूटिव को अपने हिसाब से मिला हुआ है एंड जुडिशरी को अपने आप ही मिला, एंड तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट, तीनों एक दूसरे को जो है दे कैन पॉइंट आउट, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल और चेक्स एंड बैलेंसेस। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स, लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। फर्स्ट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, एंड वी कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल मतलब तीनों बराबर एक लाइन में, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पार्ट्स। ऐसा क्यों किया गया है? अगर मान लो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक ही होता तो वो क्या करता, सारे पावर्स अपने पास रख लेता। अगर जुडिशरी को ज्यादा पावर दे देते तो जुडिशरी हर बात पे अपना जो है दे माइट हैव इंटरफेयर। सच अ सेपरेशन एंश्योर्स नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, द रिजल्ट इन अ बैलेंस पावर ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। लास्ट ईयर वी हैड स्टडीड इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव बट दे कैन चेक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब जुडिशरी में भी अगर कोई जज गलत करता है तो विद द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ वोट हम उस जज को रिमूव कर सकते हैं। तो देयर इज चेक्स एंड बैलेंसेस। सेकेंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, इसको हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। मतलब यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स। पावर कैन बी शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल्स। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर इज कॉल्ड एज फेडरल, हमारे यहाँ पर हम उसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल आर कॉल्ड डिफरेंट एंड डिफरेंट, हमारे यहाँ हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज, किसी किसी जगहों पर तो उनका जो है दे आर हैविंग ओनली यूनिटरी, मतलब एक ही गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट। किसी किसी में स्टेट गवर्नमेंट है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड बाय ऑल द कंट्रीज, देर आर मेनी कंट्रीज वेयर देर आर नो स्टेट गवर्नमेंट्स, बट इन दोज कंट्री लाइक आज वेयर देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डिफरेंट पावर्स, जैसे बेल्जियम में किया है। बेल्जियम में यूनियन गवर्नमेंट इज हैविंग पावर्स, प्रोविंशियल इज हैविंग पावर्स एंड कम्युनिटी इज हैविंग पावर्स, बट श्रीलंका ने मना कर दिया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिविजन। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, इसको हम वर्टिकल पावर भी बोलते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होता है, स्टेट्स को कम होता है और लोकल गवर्नमेंट को उससे भी कम होता है। थर्ड, पावर मे बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, हमारे यहाँ अलग अलग कास्ट है, जैसे इन बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट इज देयर। इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशल वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेटेड, जैसे हमारे यहाँ है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दैट इज हाउ सोशल उनको भी दिया जा रहा है पावर। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स
सोशल ग्रुप्स. अदरवाइज अगर हमारे यहाँ पर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता माइनॉरिटीज को, तो क्या होता? दे मस्ट हैव बीन ऑप्रेस्ड, क्योंकि हमारे यहाँ तो अनटचेबिलिटी फॉलो होता था. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ज़ोन्स इन पावर. अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है? प्रेशर ग्रुप्स होते हैं आपके यूनियन यूनिटी, जैसे आपके सारे बिजनेसमैन मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं वो लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं. अब मान लो गवर्नमेंट ने ऑटो के लिए कोई लॉ बना दिया एंड द ऑटो ड्राइवर्स वर नॉट हैप्पी. पीछे ऐसा हुआ था, अभी नहीं, इट वॉज 5-6 years बैक. गवर्नमेंट ने बोला था कि सारे के सारे ऑटो में आपका जो है ये व्हाट इज दैट टर्म, GPS होना जरूरी है. नाउ मेनी ऑटो ड्राइवर्स वर नॉट रेडी टू फिट GPS इन देयर, तो देयर वॉज द स्ट्राइक ऑफ द ऑटो. ऑटो ड्राइवर्स ने स्ट्राइक किया और उन्होंने जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया टू टेक बैक दैट लॉ. अभी रिसेंटली 2 साल पहले, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है या नहीं, जितने भी हमारे किसान भाई थे फार्मर्स, उन्होंने जो है दिल्ली में आकर हड़ताल किया था. दैट इज प्रेशर ग्रुप्स. एंड व्हेन दे लॉन्च सम मूवमेंट लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन, जब वो आंदोलन शुरू करते हैं एंड दे ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू टेक बैक दैट डिसीजन, दैट इज ऑल्सो पावर. और हमारे हिंदुस्तान में राइट टू स्पीच, राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ, इनके वजह से वी कैन ऑल्सो शेयर, हम भी अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते. देन हमारे यहाँ पर वी ऑल्सो हैव कोएलिशन, मीन्स व्हेन नो पार्टी कम्स इन मेजोरिटी. इलेक्शन हुआ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, तो 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर भी पावर को शेयर करती है. इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजंस मस्ट हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर. इन कॉन्टेम्पररी डेमोक्रेसीज इट टेक्स फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन, सो इट इंश्योर्स पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. तो कई बार क्या होता है, इट इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको हम बोलते हैं कोएलिशन अलायंस. उस दिन आपको मैंने बताया था इंडिया के दिल्ली, इंडिया में 2 अलायंस मेन है, एक है आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड दूसरा है UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. समटाइम्स इट कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट एंड इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड शेयर द पावर्स. मतलब कुछ मिनिस्टर्स इनके होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स उनके होते हैं, कुछ डिसीशन इनके अकॉर्डिंग होता है, कुछ डिसीशन उनके अकॉर्डिंग होता है. This also will have a share in government power either through participation in committees, bring in influence on decision making. ये हम लोग जो है third political parties में पढ़ेंगे. So this is how power is shared among different political parties. यानी कि जो भी इस देश में रहता है, if the person belongs to women category, if the person belongs to socially backward communities, if the person is belonging to another political party, सबको जो है अपनी बात आगे रखने का पूरा हक मिलता है. Whereas this was not there in Sri Lanka. Here are some examples of power sharing. अब हमने 4 किए थे. 1 is horizontal, 2 is vertical, 3 is social group and 4 is political and pressure groups. अब आपको बताना है, यू कैन यूज योर चैट बॉक्स. द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएटली टेक एक्शन एंड इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस फॉर 2000 odd चिल्ड्रन एट 7 चिल्ड्रन होम इन मुंबई.
कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया, तो ये कौन सा पावर शेयरिंग है? सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टारियो इन कनाडा हैज अग्री टू अ लैंड सेटलमेंट क्लेम विद द ओरिजिनल कम्युनिटी. द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटिव अफेयर्स अनाउंस दैट द गवर्नमेंट विल वर्क विद द एब ओरिजिनल मीन्स एथनिक पीपल इन स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. थर्ड, Russia's two influential political parties agree to unite their organization for a coalition. And fourth, the finance ministers of various states in Nigeria got together and demanded that federal government declare its source of income. They also wanted to know the formula by which revenue is distributed to various state governments. अब ये कौन कौन से वाले हैं? Can you tell? The first Bombay High Court, and these can come in your exams. I'll also be sharing the what you call as pictorial or cartoon based questions of political party, so of political science that you can look. The Bombay High Court ordered the Maharashtra. अब हम लोगों ने working of institution में क्या पढ़ा था? State government, sorry, legislative, executive and judiciary are equal. So High Court ne Maharashtra government ko order kiya, checks and balances, horizontal. Second is community, social. Third is two political parties coming together, coalition. And fourth is vertical. The state governments want the answer from central government. First is horizontal, second is community, third is coalition, fourth is vertical. So this is how power can be shared among different areas. So this is the chapter, power sharing.